ब्रिटिश इंडिया के समय सन 1888 में जब कानपुर में अपर इंडिया कॉमर्स की स्थापना हुई, उसी समय कानपुर में सबसे पहला उद्योग सैडलरी के रूप में उभर कर सामने आया, जिसकी स्थापना 1889 में एलन कूपर नाम के एक अंग्रेज ने की थी। सैडलरी का मतलब घोड़ों के साजो सामान से है जो उनको सजाने और लगाम में इस्तेमाल किया जाता है। कानपुर का सैडलरी उद्योग $112 मिलियन के आंकड़े को छूने लगा है। तेजी से बढ़ते इस उद्योग ने भारत की अर्थव्यवस्था में अपना एक नया मुकाम स्थापित किया है। ओवरऑल एक साल में अराउंड $112 मिलियन इंडिया को मिलते हैं एज पर फॉरेन करेंसी, और जहां तक एक्सपोर्ट का मान्य है तो एक्सपोर्ट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा। कितना बड़ा उद्योग है कानपुर के लिए ये? सैडलरी कानपुर की एक तरह से अगर देखा जाए, इंडिया में कुछ ही ऐसे स्टेट्स हैं जो लेदर इंडस्ट्रीज के लिए माने जाते हैं, जैसे कानपुर हो गया जहाँ पे ज़्यादातर सैडलरी और शू इक्विपमेंट्स बनते हैं। तो एक तरह से कानपुर के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि भाई यहाँ पे सैडलरी का काम इतना फेमस है। पूरे विश्व में भारत इस उद्योग में काफी आगे है और इस उद्योग का सबसे बड़ा हिस्सा कानपुर से जुड़ा हुआ है। इसकी प्रमुख वजह यहाँ पर सैडलरी उद्योग के लिए मिलने वाला कच्चा माल और सस्ता श्रम है जो इस हुनर में माहिर है। कानपुर इसलिए आगे है सैडलरी उद्योग में क्योंकि यहाँ की जो मैन पावर बहुत स्किल्ड है और बहुत पुरानी है। जो कानपुर का उद्योग है सैडलरी का, वो कम से कम 100 साल पुराना है अंग्रेजों के जमाने के टाइम से, और तब से ये अब बहुत तेजी से विकसित होता जा रहा है। और बहुत पुराने होने की वजह से यहाँ पे लेबर जो है बहुत अच्छी है और सस्ती है। और दूसरा सबसे बड़ा बात यह है कि यहाँ जो चमड़ा है बहुत इजीली अवेलेबल है। सैडलरी उद्योग पूरी तरह से प्रदूषण रहित है, जिससे पर्यावरण को भी कोई क्षति नहीं पहुँचती। कानपुर में इस उद्योग की छोटी बड़ी 500 से ज्यादा इकाइयाँ काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।